गाइस, मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गॉसिप में। मनीषा फैन सोशल मीडिया पर जिया के ऊपर भड़के हैं। हालांकि ये डेफिनेटली है कि मनीषा फैन जिया को पसंद नहीं करते हैं, पर अभी जो है एक ऐसा रीजन है जो कि मनीषा फैंस का भड़कना भी बनता है। ये रात की बात है, जब आप सो गए होंगे तब जो है जिया, मतलब कि सब लोग ये डिस्कशन रूम में बात कर रहे थे, जिया भी आके बैठी थी, काफ़ी ज़्यादा मस्ती मजाक चल रहा था। मनीषा बहुत ही प्यार से जिया से बात कर रही थी, बहुत ही एडवाइस कर रही थी, बहुत प्यार से बात कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। वहाँ पर जिया ने तो फुल मज़े लिए, पर जिया जब जैसे ही अपने अविनाश वाले ग्रुप में गई, वहाँ पर जाके जो है अविनाश करने लगे चुगली कि देखा, जब मतलब कि तुम लोग जीते तब इसका चेहरा देखा था, कैसे होश उड़ गए थे मनीषा के। वो बोलती है हाँ मैंने देखा था, और ये कैसी भाषा में बात करती ना, और वो भाषा में बात करके दिखाती है, यानी कि बिहारी टोन में बात करके दिखाती है, और काफ़ी ज़्यादा अलग साउंड कर रहा होता है वो, यानी कि आप किसी की लैंग्वेज का ऐसे मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये चीज़ को लेके अभी जिया के ऊपर भड़के हैं कि भाई गेम तुम वहाँ पर खेलो, किसी की लैंग्वेज का मजाक उड़ाना तुम्हारा कैसे बनता है, किस तरीके से तुम उसका लैंग्वेज का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि अकेली मनीषा नहीं, पूरा बिहार ही वो लैंग्वेज बोलता है, तुम पूरे बिहार के साथ पंगा ले रही हो क्या? इस तरीके से जो है बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग। ऐसा नहीं है कि पूरा बिहार ही बस मनीषा रानी का फैन है, बिहार के बाहर भी लोग मनीषा रानी के फैंस जो है बन रहे हैं। अभी मैं भी जो मनीषा रानी को पसंद कर रही हूं, पर मैं फैन नहीं हूं इसीलिए क्योंकि मुझे रिव्यू करना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है ना कि आप किसी के फैन बनते तो सॉफ्ट कॉर्नर आ जाता है आपके मन में, आपको उसकी जो गलत चीजें वो दिखती नहीं है। तो मैं हमेशा जब रिव्यू करती हूँ पसंद करती हूँ, पर मैं फैन, हार्डकोर फैन नहीं बनती किसी की। और मैं पंजाबी हूँ और काफ़ी सारे लोग पंजाब से भी मनीषा को पसंद कर रहे हैं, वो बात मुझे पता है। क्या कहते हैं आप कहाँ से हैं, और जिया के इस रिएक्शन के ऊपर, जिया के इसके ऊपर आपका क्या रिएक्शन है, और आप कौन से शहर से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ बताना मुझे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।